वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और सुबह के लगभग बज रहे हैं 8:30। मैं बनाने जा रही हूँ लंच दिवाकर के लिए, और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। बट उसके पहले मैं आपको दिवाकर को दिखाती हूँ। वो रहे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके पैर की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब पैर से वो चलने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। एक बिल्कुल कहते ना इंसान ऐसे करके लंगड़ा के चलना, लाइक ऐसा हो गया उनके साथ। और वो कुछ पता नहीं चला भी हुआ किस लिए है। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मेडिसिंस डेली खाई जा रही है, कुछ ये मल्टी विटामिन्स भी ले रहे हैं वो, और ये सब मेडिसिंस हैं उनकी, ये भी एंड ये भी। तो ये इतनी सारी दवाइयाँ भी चल रही हैं, मल्टी विटामिन्स भी ले रहे हैं, हाई प्रोटीन और के साथ उनको उनका खाना भी वगैरह दिया जा रहा है। उनकी डाइट दी जा रही है उनको, हाई प्रोटीन डाइट। कैसी तबीयत है? ठीक है, पैर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बिल्कुल भी चलने में मतलब एक बहुत ज़्यादा सडनली पता नहीं कैसे हो गया। लगभग एक हफ्ते से हो रहा है, लेकिन लास्ट 5 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। चलना फिरना बहुत भारी हो गया है। तो ये सिचुएशन चल रही है, बट ऑफिस से उनको अभी भी रिलीफ नहीं है, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है ऑफिस से। तो अभी फ़िलहाल वो ऑफिस के लिए तैयार हैं, और मैंने आज उनके लिए जो लंच बनाया है मैं आप लोगों के साथ वो लंच शेयर करने वाली हूँ। बट यहाँ पे एक प्रॉमिस लूँगी मैं आपसे कि कोई भी बैड कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि देखो यार, इस बारे में मैं बात करूँगी ऑफिस चले जाएँ वो, फिर बताती हूँ मैं मतलब क्या है, क्यों मतलब ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे तो अपना 100% देना है से किसी भी तरीके से कुछ भी करके, मतलब करके दिवाकर ठीक हो जाएँ, मुझे ये करना है। तो उनके लिए जो हो सकता है, जैसा हो सकता है, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ वो सब करने की। फिलहाल बालकनी कुछ कपड़े धो के रखे थे, ये मुझे फैलाने हैं, चद्दर बेडशीट है ये फैलानी है, और एक दो कपड़े मैंने लगा रखे थे, मशीन ही बंद नहीं करी है। कपड़े निकाल लिए थे बट मशीन बंद नहीं करी थी। कपड़े फैला लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी पालक को अच्छे से धो के साफ करके रख लिया है, और सिर्फ मैंने पालक के यहाँ पत्ते यूज़ किए हैं, और डंठल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और ये मैंने अपनी अनियन को कट करके बारीक कट किया है, अनियन को कट करके रख लिया है, ये रहा अच्छे से बारीक बारीक सा कट कर लिया है। और यहाँ पे इसमें है टमाटर जो भी मैंने कट कर लिया है। तो पानी गर्म हो रहा है, फटाफट से पालक उबालने जा रही हूँ। पालक उबालने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि ये हरियाली मुर्ग कैसे बनाते हैं हम। हालांकि मैंने मेरे घर में अलग से बर्तन है ये सब करने के लिए, तो जैसे ये वाला ब्लैक वाला बर्तन है, ऐसे एक दो बर्तन और हैं जो कि नॉनवेज के लिए यूज होते हैं दिवाकर के। तो जो चिकन यहाँ रखा हुआ है, सामान यहाँ रखा हुआ है, फटाफट से बना के दिखाती हूँ मैं आपको। पालक को पानी में उबाल ले रही हूँ, और जिस पानी में मैं पालक उबाल रही हूँ उस पानी को फेंकना नहीं है पालक के उबलने के बाद, कहाँ यूज़ करना है बताऊँगी बाद में। तो पालक मैंने उबलने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे कढ़ाई में, ज़्यादा नहीं लेना है, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ऑयल लिया, ऑयल को गर्म होने देंगे, क्योंकि मैंने कच्ची घानी तेल लिया है यहाँ पे, उसमें जीरा डालूंगी। अब मैं जीरा के चटकने का वेट करेंगे थोड़ा सा,
जीरा छिटक जाएगा, उसमें तुरंत इंस्टेंटली मैं डालूंगी अपनी प्याज जो अनियन चॉप करके रखी है मैंने। यहाँ पे आप पेस्ट भी बना सकते हैं, बट मेरा ख्याल ऐसा है कि पेस्ट इतना अच्छा इसमें नहीं लगेगा, तो आप अगर चॉप कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अनियन जो चॉप करके रखी थी मैंने, वो इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ। और यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी में आपका चिकन हो उसी मतलब उससे थोड़ी सी आधी क्वांटिटी में आप सपोज 1 पाव चिकन है तो 1 पाव प्याज लग जाएगी, ऐसा कुछ रखिएगा, या फिर 1 पाव से थोड़ी सी कम। इसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक जो है भून लूंगी। जब ये ब्राउन हो जाएगा तब इसमें मैं ऐड करूंगी अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप अगर होममेड हो तो वो और भी अच्छा है आपके लिए, अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है, मेरे पास ये रेडीमेड है तो मैं वही डाल रही हूँ। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है इसमें, और मैंने अच्छे से इसको सॉटे कर देना है 30 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड कर देंगे वो भी बहुत होता है। तो सॉटे करेंगे और सॉटे कर लेंगे, सॉटे करने के बाद इसको इसमें मैं डाल दूंगी अपना चिकन जो धो के रखा हुआ था, उसी को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। और बेसिकली यहाँ चिकन प्याज के साथ हमें भुनना है, तब तक भुनना है जब तक ये चिकन वाइट वाइट ना हो जाए। वाइट होने का मतलब होता है चिकन का कि वो पक चुका है, जैसे अभी पिंक है तो ऐसे वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यार मैं इतना इसलिए बता दे रही हूँ आपको कि अगर अगर कुछ मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, मैं पहले ये वीडियो बनाने में भी बहुत डर रही थी, लेकिन फिर मैंने टमाटर था पेस्ट बनाया, चाहे तो पेस्ट डाल सकते हैं चाहे तो बिल्कुल बारीक बारीक करके चॉप करके डाल सकते हैं। तो टमाटर मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी इसको भूनने के बाद। देखो चिकन अब वाइट हो गया, पहले पिंक था। तो टमाटर ऐड कर लिया यहाँ पे, और टमाटर को अब हमें 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, तब जब तक कि वो थोड़ा मैसी ना हो जाए। जब वो मैसी हो जाएगा फिर हम उसमें, यहाँ पे देखिए कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, वो आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये इसमें हरा हरा बनेगा, क्योंकि इसे पालक पड़ेगा तो फिर उसका वैसे भी मतलब थोड़ा सा अलग आ जाएगा रंग, तो इसलिए थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद जीरा पाउडर थोड़ा ज्यादा डालना है, और धनिया पाउडर भी थोड़ा सा ज्यादा ही डालना है। इन दोनों का टेस्ट जो है वो इनहेंस होके आना चाहिए। इसके लिए तो सारे मसाले ऐड कर दीजिए, उसके बाद इसको फिर से आप चलाने लग जाइए, और चलाते जाते मसाला अपना सारा भून लीजिए अच्छे से। जब भुन जाएगा तो एक तो इसमें तेल तो पड़ा नहीं है कि तेल अलग होगा मसाले से, जहाँ तेल ज्यादा पड़ा होता है मसालों में सब्जी में तो वहाँ तेल अलग होता है, बट यहाँ जब मसाले भुन जाएंगे तो उसकी महक आने लग जाएगी, उसी से आप समझ जाएंगे कि मसाला भुन चुका है। तो अच्छे से चला लेंगे इसको, भून लेंगे हम मतलब कि, और जब मसाला हमारा भुन जाएगा तब यहाँ पे हम अपने हमने जो पालक उबाला था उसका पेस्ट बना लिया है, और उस पेस्ट को हम इसमें डालेंगे। अगर आप पालक में हरी मिर्ची पीसना चाहें पेस्ट बनाते वक्त तो पीस सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर का यूज करना चाहें थोड़ा करिए, नहीं तो मत करिए। अगर आप उसमें मिर्ची पीस लें तो, मैंने उसमें मिर्ची नहीं पीसी थी इसलिए मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का उपयोग किया था, ठीक है। तो अच्छे से हम उसको भून लिया, उसके बाद हमने इसमें पालक पिसा हुआ जो था वो ऐड कर दिया, और उसको ऐड करने के बाद चला लेंगे अच्छे से। जब वो पक जाएगा 1-2 मिनट के लिए, तो उसमें हमने जो जिस पानी में हमने पालक उबाला था ना, वही पानी हम इसमें डाल के इसकी ग्रेवी बना लेंगे, और नमक डाल के इसको ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए, बॉईल कर लीजिए। आपका हरियाली मुर्ग बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से है। थोड़ा सा फ्री हूँ मैं इतना सारा, एक्चुअली जब आप सुबह सुबह कुकिंग करनी पड़ती है ना तो आपके पास बहुत सारा काम होता है, ना चाहते हुए भी ब्रेकफास्ट भी उसे टाइम पे तैयार करो, डुकू भी अगर जग जाएगा तो उसको भी, मम्मा भूख लग रही है मेरे को भी कुछ दो, उसका भी करो, फिर दिवाकर का भी करो, फिर अपने लिए भी कुछ करो। तो
बहुत ज़्यादा ऐसे लेट हो जाता है। हाँ तो कुछ सामान आया था कल, वो खाली करने जा रही हूँ क्योंकि क्योंकि मसाले वगैरह आए थे। मैं क्या करती हूँ ना यार, मैं मसाले जो है ना अपने वो एक्स्ट्रा में लेके चलती हूँ। मतलब ये ना हो कि एक पैकेट एक महीने के लिए आ गया, मेरे पास अगर एक पैकेट डब्बे में है तो एटलीस्ट डेढ़ या डेढ़ भी नहीं दो पैकेट कम से कम रनिंग में चल रहा होगा, ऐसा करती हूँ मैं। तो एक आ गया मसाला, एक मेरे पास रखा हुआ था, और दाल मेरी बिल्कुल फट के सारी बह गई। मतलब बह क्या गई, दाल मतलब वो हो गई, पन्नी फट गई तो सब इसी में गिर गई, बिखर गई। और हाँ एक चीज यार, मैं अच्छी ठीक से बैठ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ अभी मैं बैठ गई हूँ, अब बात करती हूँ। एक चीज कि यार देखो, ये मैं मतलब मेरे घर में अगर सबको पता है, सभी को पता है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं कभी छुपाती नहीं हूँ कोई भी चीज़ कि दिवाकर नॉनवेज खाते हैं, ठीक है मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं कभी इस चीज़ को मतलब डिनाई नहीं करती हूँ, कभी छुपाती नहीं हूँ, कभी बोलने में हिचकिचाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और अपने अपने हिसाब किताब से इंसान खाता पीता है। अब मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, मेरी फैमिली में कभी नहीं खाया गया है, मेरे मॉम डैड ने कभी मतलब हमें खाना तो दूर है कभी छूने और देखने भी नहीं दिया है। तो मतलब हमारे यहाँ मेरी मायके में बिल्कुल अलाउ नहीं है ये सब चीज़ें इवन, बट दिवाकर ने खाया है शुरू से, तो दिवाकर पसंद करते हैं नॉनवेज, मैं आपको बताऊँ। लेकिन चूँकि मैं नहीं पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, या फिर मैं नहीं खाती हूँ, तो मेरे चलते बहुत हद तक नॉनवेज नहीं बनता है। लेकिन हाँ कभी कभी जब दिवाकर को खाना होता है तो कभी फ्रेंड्स के साथ खा लेते हैं, कभी मतलब कुछ ना कुछ उनका प्रोग्राम, अगर कभी कभी की बात है। लेकिन इस टाइम घर में बन रहा है तो द रीज़न इज कि दिवाकर देखो यार, पहले कमर से परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, फिर घुटनों से हो चुके हैं, और आए दिन मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मतलब और देखती हूँ एक दो दिन चार दिन, एक एक दो दिन लगातार तो नहीं खिलाना है, दो तीन दिन मतलब हफ्ते में दो बार खिला देना ऐसे बोला है, हफ्ते में दो बार खिला दो। और फिश भी बोला, तो फिश मतलब फिश मतलब मैंने कभी मिली बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। तो देखते हैं क्या, मैंने बोला है दिवाकर को अगर फिश विश कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज़ आप खुद बनाइएगा अपने लिए, मुझे ना बनाना आता है ना मैंने कभी मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो वो बात की बात है। और आज सुबह से हमारे जो मैंने अभी आपको दिखाया ना टेंट लगा हुआ है घर के सामने, बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे शायद नहीं जानते होंगे, खाजा यूपी और बिहार में बहुत चलता है। बेटियों को जब मायके से ससुराल भेज रहे होते हैं तब भी खाजा बनवाया जाता है उनके ससुराल के लिए, मिठाई होती है एक प्रकार की, और जब ससुराल से बहुत आ रही होती है मायके तब भी बहुत लोग बनवाते हैं और देते हैं। तो या तो कोई बहू जा रही है या बेटी आएगी, जैसा नहीं बहू जा रही है या फिर बेटी जा रही है, कुछ तो इसमें से हो रहा है। डुगू अभी भी सो रहा है, डुगू सो रहा है। हाँ जी, तो फाइनली ये गरम पट्टी दिवाकर के घुटनों में बांधी जा रही थी, लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे क्योंकि ये जो पिन है इसी पिन से उसको पिनअप किया जा रहा था, तो उनको जब वो पैर थोड़ा सा घुमा रहे थे ना तो उनको ये गड़ गई थी, तो ये बिल्कुल भी उनको मतलब कंफर्टेबल नहीं लगी ये वाली। तो उसके बाद जाके मैं आपको दिखाती हूँ वो पहनने वाली लेके आए, ये वाली, ये जो मतलब ऐसे ही पैर डाल के ना पहन लो, तो क्योंकि वो वहाँ से उनको बैंड करना होता है नी को बार बार, तो ये थोड़ा सा इजी रहती है ये वाली।
तो ये वाली लेके आए। अब वो उनके बार बार क्या हो रहा है कि ओमनी जेल या फिर आयोडेक्स या फिर मूव का स्प्रे लगा के और उसको पहना देते हैं, लेकिन ये इतना टाइट हो जाता है कि उनका सारा ब्लड ही यहाँ पे मतलब दम स्टक हो गया। और यहाँ से इस इतने पैर तो ठीक था, बाकी इसके ऊपर और इस पैर के इतना नीचे पूरा पैर सूज गया था। कल ऑफिस से आए थे तो कहते थे शालू इसको ज़्यादा देर तक पहनने लायक नहीं है, तो क्योंकि वो खून का जो संचार होता है उसको रोक रहा है और इसकी वजह से पूरा पैर सूज जा रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज वो ऑफिस पहन के भी नहीं गए इसको। आप लोग मुझे बताइएगा इसको इस्तेमाल करने का कोई और ठीक तरीका हो जिससे उनको ज़्यादा रिलीफ मिल सके, तो प्लीज़ बताइएगा। हालांकि मेडिसिंस तो वो सूजन की भी ले रहे हैं, पेन की भी ले रहे हैं और मसल्स पेन की भी ले रहे हैं, मेडिसिंस तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो। अब अगर आराम नहीं हुआ तो सैटरडे को फिर मैं उनको लेके हॉस्पिटल जाऊँगी दिखाने के लिए, देखते हैं क्या होता है, क्या बताते हैं। पीठ का तो उनका कोई उतना ज़्यादा सीरियस नहीं निकला था और वो आराम से मतलब मेडिसिन वगैरह लेके आराम करके वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन पैर तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, बहुत ज़्यादा। दोनों एक साथ रख दिए ना तो याद रहेगा कहाँ रखी हैं, और शाम को आते ही जब वो मांगते हैं तो कभी कभी पता है परसों तो यहाँ वहाँ रख के भूल गए थे, तो याद रहेगा कम से कम कि जहाँ हैं दोनों हैं, नहीं तो अलग अलग में से कोई भी मांग लेंगे। और ये फेंक देती हूँ अब मैं, इसका क्या काम है अब कार्डबोर्ड वाला। और हाँ, अभी मैंने कुछ टाइम पहले, एक घंटे पहले लगभग, रिसीव किया था एक पार्सल फ्रॉम नायका, और मैंने पार्सल आते ही खोल लेती हूँ कोई भी पार्सल हो। तो मैंने नायका से मंगाई थी दो चीज़ें, एक तो ये मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड रेजर कंसीलर है जो कि ये मंगवाया था एक मैंने, और इसके अलावा ये सुपर स्टे मेबलिन का जो फाउंडेशन आता है वो मंगवाया था मैंने, ये वाला। ये मेरी स्किन से एटलीस्ट दो शेड तो लाइट है ही, तीन शेड ना भी हो तो दो शेड है लाइट। और मैंने ये क्यों मंगवाया, पंप के साथ होता है, मैंने मंगवाया क्यों है, ये सेम फाउंडेशन एक और है मेरे पास, लेकिन वो मेरी स्किन से एक शेड या दो शेड और डार्क आ गया है। अब वो डार्क आ गया है, अब एक शेड का भी आ जाएगा तो वो मेरा वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने ये सोचा कि एक लाइट मंगवा लेती हूँ, एक डार्क है, दोनों को मिक्स करके अपने शेड का बना लेंगे। और दूसरी चीज़ कि कभी आपको थोड़ा सा, जैसे होता है मेरे साथ कि कभी कभी कोई मुझसे गोरा इंसान कहता है, मेरा भी थोड़ा सा मेकअप करता तो मैं उसका कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सामान हो चुका है ना, तो इसलिए है। हाथों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है तो कभी कभी मैं मतलब जब आप नहाते हो ना, नहाने के बाद मैं अक्सर वैसे तुरंत लगा लेती हूँ मॉइस्चराइजर, मतलब बिल्कुल भी देर नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे आज मैं भूल गई थी, और मैं अभी सोच रही हूँ कि मेरा हाथ वाइट वाइट कैसे हो रहा है इतना ज़्यादा, और रूखा रूखा सा, फिर याद आया मैंने तो लगाया ही था, जब नहीं लगाओगे तो फिर रूखा रूखा ही होगा, वाइट वाइट ही होगा। अभी मैंने फ़ोन करना है दिवाकर को, और उसके बाद थोड़ा सा काम करना है, खाना मुझे बनाना है अभी अपने लिए, टमाटर की चटनी, धनिया मिला के, पुदीना मिला के, और थोड़ा सा अमचूर भी, बहुत खट्टी हो जाती है टमाटर डाल के, अमचूर डाल के। और अगर या अमचूर यूज़ नहीं करना चाहते हो ना तो उसमें कभी दही मिलाना टमाटर की चटनी में, और भी स्वाद लगेगी फिर तो। दोपहर में 2 बज रहे हैं, काम करते करते देर हो जाती है। यही था मेरा एक छोटा सा रूटीन मॉर्निंग का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, होप सो आपको पसंद आएगा, और दिवाकर की प्रॉब्लम को भी आप लोग समझोगे, मुझे सजेशन दोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। होप करती हूँ कि इस टाइम नेगेटिव कमेंट थोड़े कम आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं आएंगे तो अच्छी बात है, तो प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय।